हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की फ्लावर शेप की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस में मैंने फूल बनाए हैं जिसको मोतियों से डेकोरेट किया है। साइड में इसमें पत्तियां बनाई हैं, सेंटर में भी इसमें फूलों की पत्तियां बनाई हैं। इसमें मैंने ऑरेंज कलर के 3 शेड काम में लिए हैं, लाइट और डार्क। ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इसे बनाना शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। ये चोली मैंने बना ली है। इसको बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे बनाना देख सकते हैं। हम इसका घेरा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे हम स्काई ब्लू कलर की ऊन लेते हैं। नीचे की तरफ चैन से इस ऊन को अटैच करते हैं। एक चैन बनाते हैं, फिर हम 2-3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1-2 तो बन गए हमारे, तीन, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया होने के बाद हम वापस 3 चैन बनाते हैं, इसको उल्टा कर लो। अब सभी चैन के अंदर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक तो ये बन गया, दूसरा इस चैन में हम बना लेते हैं। अगले में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऊपर हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाए। सात, 8, 9, 10। 10 डबल क्रोशिया होने के बाद हम वापस से 3 चैन बनाते हैं। 3 चैन बनाने के बाद अपने वापस से हम चोली पे आते हैं और जिस चैन में बनाया था उसके आगे हम 2 चैन छोड़ देते हैं। इस चैन में तो हमने बनाया था, इसके एक एक 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी इस तरह पत्ती बन जाती है। वापस से हम इसी के अंदर 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2-3-4-5 5 बनाने के बाद हम 3 चैन बनाते हैं। पीछे आके सभी चैन के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। बस हम 3 चैन बनाते हैं, उसे चोली पे आ जाते हैं, 2 चैन छोड़ के तीसरी चैन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह मैं ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लास्ट वाली पत्ती में आ गए हैं। 3 चैन बना लिए मैंने, सभी जगह हमने 2-2 चैन को छोड़ा था। यहाँ पे 1 चैन बच्ची है तो इसको यहाँ पे एक ही चैन को छोड़ देंगे। जहाँ पे हम ये 4 क्रोशिया बनाते हैं यहाँ पे इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। सोन को हम यहाँ से कट कर देते हैं।
हमारे इसमें 9 पत्तियाँ बनती। अब इसमें वाइट कलर की ऊन लगाएंगे हम। एक चेन बनाते हैं। एक चेन बनाने के बाद हम इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, छह डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाते हैं। अगली वाली हम यहाँ पे 3 चेन बनाए थे, अगली वाली चेन में आ जाते हैं हम। यहाँ पे फिर हम वापस से 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इसी तरह हम सभी चेन में 6-6 डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। हम रो के लास्ट में आ गए। मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चैन बना लूँगी। और इस वाली जो हमने शुरू में 3 चैन बनाई थी, यहाँ पे हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हम इसमें एक चैन बनाते हैं। एक चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने नीचे यहाँ पे जो हमारे 3 चैन वहाँ पे ले जाके इसे इस तरह उल्टा करते हैं। यहाँ पे इसे हम एक स्लिप चैन से इस तरह अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आप जोड़ने के बाद हम इसमें अब 6 चेन बनाएंगे। 1, 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद हम अगली वाली पत्ती पे जाते हैं। अगली वाली पत्ती पे जहाँ पे हमने इसे जोड़ा था वहाँ पे हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देते हैं। वापस हम 6 चेन बनाएंगे। 4, 5 और 6। वापस से यहाँ पे जो पीछे की तरफ से हम इसे एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। इस रो को भी हम पूरा कर लेते हैं। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हम इसे जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं और एक चैन बना के इस ऊन को यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम ये येलो का लाइट शेड लेते हैं जिसे हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन बनाने के बाद हम पहले हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, चार, पांच, छः, सात। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और बनाते हैं। बनाने के बाद हम अब अगली वाली रो में आ गए। यहाँ पे हम यहाँ पे वापस से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हम ये रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में आ गए। लास्ट में हम इसे इधर वाले हिस्से से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। स्लिप चैन से जोड़ने के बाद हम वापस से इसमें 7 चैन बनाएंगे। पिछली बार हमने 6 बनाई थी, फिर 7 बनाएंगे। 7 चैन बनाने के बाद इस वाले हिस्से से यहाँ पे वाइट वाला है, यहाँ पे इसे पीछे से हम इस तरह स्लिप चैन से यहाँ से अटैच कर दें। 1,
सिंगल क्रोशे से अटैच कर देंगे। इस तरह सात चैन बना के सभी जगह सिंगल क्रोशे से अटैच करके इस रो को हम पूरा कर लेंगे। मैंने रो को कंप्लीट करके उनको यहाँ से कट कर दिया। अब इसमें मैंने ऑरेंज कलर की ऊन जोड़ ली। शुरू में एक चैन बना लेते हैं, उनको हम जोड़ लेते हैं। पहले छः बनाए थे, सात, अब हम इसमें आठ डबल क्रोशिया बनाते हैं। छः, सात, आठ, आठ डबल क्रोशिया बनाते हैं। आठ डबल क्रोशिया बना के एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, वापस से हम इसमें आ जाते हैं और वापस से हम आठ डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। वापस से हम इसे यहाँ से स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम वापस इसे नीचे ले जाते हैं और इसे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, आठ चैन बनाते हैं। आठ चैन बनाने के बाद हम क्रीम, ये लाइट येलो कलर, इसको यहाँ से हम इस तरह लेके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ के इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे पूरी कर ली है, यहाँ पे उनको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे ऑरेंज का मैं अगला शेड जोड़ लेती हूँ। एक चेन बनाते हैं, छः, सात, आठ, अब हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, नौ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो उनको दो बार क्रोशिया ऊपर लेते हैं। और जब हमने नीचे वाइट बनाया था, वाइट को जहाँ से हमने अटैच किया था स्काई ब्लू कलर से, उसके नीचे से इस तरह पकड़ के हम लेते हैं, क्रोशिया ऊपर डालते हैं। एक, दो और तीन, इस तरह हम इसको बना लेते हैं। वापस से हम इसमें अगले में नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से हमने नौ डबल क्रोशिया बना लिए, वापस से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमें वापस से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो बार उनको लेंगे जहाँ से हमने अटैच किया था वाइट से, उसको इसके नीचे से इस तरह निकाल लेंगे। इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरह जोड़ते हुए पूरी रो को भी अब पूरा कर लेंगे। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। पूरा होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी पोशाक हो जाती है। हम यहाँ पे हम नौ चैन बनाएंगे। नौ चैन बना के यहाँ पे ऑरेंज कलर का सिंगल क्रोशिया बनाया था, वहाँ से हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। इस तरह हम पूरी रो कंप्लीट करके उनको कट कर लेते हैं। अभी हमारा बनके पूरा हो गया। वापस से हम स्काई ब्लू कलर की ऊन लेते हैं, आठ चैन बनाएंगे इसमें हम।
पाँच चैन बनाने के बाद पहली चैन में हम इसे स्लिप चैन से अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद हम इसमें हम तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद हम इसमें तीन क्रोशा और बनाएंगे। एक तो बन गया हमारा डबल क्रोशा, दो तीन ये चार। इसमें हमने यहाँ पे पांच बनाए थे, इसमें हम चार बनाएंगे। चार बनाने के बाद वापस से हम तीन चैन बनाएंगे और सभी में हम दो दो डबल क्रोशा बना लेंगे। एक दो डबल क्रोशिया बनाने का, तो वापस से हम दो चैन बनाएंगे। इसमें दो चैन बनाने के बाद हम वापस से अपने नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, रिंग में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस तरह हम इसमें आठ पत्तियां बना के इस फूल को पूरा कर लेते हैं। इस फूल में आठों पत्तियां बना ली। आठवीं पत्ती के बाद हम इसमें एक चैन बनाते हैं। एक चैन बनाने के बाद जो हमने नौ चैन बनाई थी, चैन में यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया से यहाँ से जोड़ देते हैं, फिर एक चैन बनाते हैं। एक चैन बनाने के बाद जो हमारी पहली पत्ती थी उसके यहाँ पर चार क्रोशिया बनाते हैं, वहाँ पे हम इसे स्लिप चैन से जोड़ देते हैं। एक चैन बना के इस ऊन को यहाँ से हम कट कर देते हैं। फिर हमारा अभी एक फूल यहाँ पे अटैच हो गया, बाकी की सभी जगह में ऐसे फूल बना के इसे अटैच कर लेते हैं और ये पूरा कर लेते हैं। इसमें हमने सभी फूल आपस में अटैच कर लिए। वापस से हम अपनी वाइट कलर की ऊन लेते हैं। ये चैन जहाँ से हमने इसे फूलों को अटैच किया था वहाँ पे वाइट कलर की ऊन को हम जोड़ लेते हैं। शुरू में हम तीन चैन बनाते हैं। तीन चैन बनाने के बाद इसमें दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक तो हमारा बन गया तीन चैन का, एक रेक दो डबल क्रोशिया हो गया हमारा, तो इसमें हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए। तीन डबल क्रोशिया होने के बाद वापस से फूल को लेते हैं। फूल में पहले वाली चैन तो जहाँ से जोड़ देते हैं उसकी अगली चैन में हम तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं। से अगली में भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं। उससे अगली में भी तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ऊपर वाली में आ गए। ऊपर वाली में हम तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम दो चैन बनाएंगे, फिर वापस इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं। ऊपर ऊपर वाली में हमारे छह डबल क्रोशिया हो जाते हैं, बीच में हम दो चैन बनाते हैं। वापस हम इधर वाली में आ गए। इधर वाली में वापस से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं।
उपस्यम, एक उपस्यम नीचे वाली में आ गए, ये तुम्हारी जुड़ी हुई है जिस चैन से हमने जोड़ा था, जहाँ पे वहाँ पे हम तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं। तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये हमारी एक पत्ती पूरी हो जाती है। तीन बार तो इधर बनाते हैं, तीन बार इधर, और ऊपर एक बार छह डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब वापस से हम अगली वाली में, दूसरी वाली में, दूसरे फ्लावर की चेन में जाते हैं। तो हम दो चेन बनाते हैं, दो चेन बनाने के बाद अगली में हम वापस से तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद वापस से हम अपने फूल पे आ जाते हैं। फूल में वापस से हम पहली वाली चैन को छोड़ देते हैं, दूसरी चैन एक तो इससे जुड़ी हुई रहती है, दूसरी वाली चैन उसमें वापस से हम तीन डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हम पूरी रो को पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमारी एक पत्ती बन जाती है। तीन तीन, तीन बार बनते हैं तीन तीन डबल क्रोशिया, ऊपर हमारे छह डबल क्रोशिया बनते हैं। साइडों में हमारे नीचे चैन में तीन तीन बनते हैं, यहाँ पे हम दो चैन बनाते हैं। इस तरह हम इस रो को पूरी कर लेते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके लास्ट में आ गए हम, दो डबल क्रोशिया मैंने बना लिया, तीसरा डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तीसरा डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चैन बनाऊँगी। दो चैन बनाने के बाद जो हमने शुरू में तीन चैन बनाई थी, यहाँ पे से स्लिप चैन से जोड़ के उनको कट कर देते हैं। इससे हमारे पूरा हो जाता है। हम वापस से हमारा येलो कलर का लाइट शेड लेते हैं, उनको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। सभी चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो शुरू में हम तीन चैन बना लेंगे, सभी में एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, हम ऊपर तक आ जाते हैं। हमने सभी चैन में एक ही डबल क्रोशिया बना के हम अपने ऊपर तक आ गए। यहाँ पे हमने दो चैन बनाई थी, दो चैन बनाई थी, वहाँ पे हमें अब दो डबल क्रोशिया बनाना है। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें वापस से दो चैन बनानी है, और इसी चैन में हमें वापस से दो डबल क्रोशिया बनाना है। वापस से हम सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए नीचे तक आ जाएंगे। वापस से हम नीचे आ गए। सभी चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम नीचे आ गए। यहाँ पे हमने दो चैन बनाई थी, वहाँ पे कुछ हमें कोई चैन नहीं बनानी है, और सीधे ही हमें दूसरी पत्ती पे चले जाना है।
दूसरी पत्ती के चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। दूसरी पत्ती में जाने से पहले जो हमने नीचे जहाँ से हमने इस चैन को अटैच किया था वहाँ पे इस तरह इसको नीचे लेके एक यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह नीचे से लेके फिर हम इस वाली दूसरी पत्ती में चैन में हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर वापस से हम सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी रो को पूरा कर लेंगे। बस लास्ट में दोनों पत्तियों के बीच में जहाँ से हमने जोड़ा था वहाँ पे नीचे से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना रहता है। ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट में आगे लास्ट में डबल क्रोशिया बना लिया जो हमने जहाँ से अटैच किया था वहाँ नीचे से एक डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। डबल क्रोशिया बनाने के बाद जहाँ से शुरू किया था उस चैन में से स्लिप चैन से अटैच कर देते हैं और एक चैन बना के इसमें उनको कट कर देते हैं। वापस से हम ऑरेंज ऊन लेते हैं। ऑरेंज ऊन को दो डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया में इस तरह ऊपर से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे तीन चैन बना लेते हैं। एक बार हमने ऊपर से जोड़ा है, दूसरी बार ऊपर से, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। पहले हमने नीचे से बनाया, ऊपर से बनाया, वापस से हम नीचे से बनाएंगे। इसलिए वीडियो की तरह एक को हमको ऊपर से बनाना है, एक डबल क्रोशिया को, एक को नीचे से बनाना है पीछे की तरफ से, जैसा हमने पिछली वीडियो में बनाया था। इसको आगे से बनाना अगले वाले को पीछे से क्रोशिया को डाल के इस तरह पीछे से बनाना। इस तरह हम इसको ऊपर तक ले आते हैं। ऊपर आ गए, ऊपर हमारा ये पहला ऊपर से बने गए। उसके बाद हम दो चैन की जगह पे आ गए तो वापस से हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से हम पहला हमने ऊपर से बनाया था तो इसे हम ऊपर से बनाएंगे, दूसरा हमने नीचे से पीछे की तरफ से बनाया था दूसरे को हम पीछे की तरफ से बनाएंगे। इस तरह हम बनाते हुए इस रो को नीचे तक ले आते हैं। हम लास्ट में आ गए इस पत्ती के, हमारे ये दो डबल क्रोशिया बन, तो पहले वाले को तो हम ऊपर से बनाएंगे। ऊपर से बनाने के बाद हम इस वाले डबल क्रोशिया को तो छोड़ देंगे, जो हमने नीचे से बनाया था उसमें हम शुरू में दो का एक ही करेंगे। फिर वापस से हम उनको लेंगे, फिर एक क्रोशिया छोड़ देंगे, अगले वाले को फिर हम ऊपर से बनाएंगे, फिर इसको हम दो का एक करेंगे। फिर तीन फंदे से हो गए, इन तीनों को हम एक साथ ले लेंगे, फिर हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है। फिर हम वापस से पीछे से बनाते हैं, अगले डबल क्रोशिया को हम पीछे की साइड से बनाते। इस तरह हमारा ये बन जाता है। इस तरह हमें पूरी रो को अब पूरा कर लेते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके लास्ट में आ गए, लास्ट में मैंने ये ऊपर से बना लिया। अब ये एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, नीचे से बना रखा है इसमें दो का एक कर लेंगे। हमारे डबल क्रोशिया में दो फंदे हो गए, फिर इस वाले को छोड़ के एक को छोड़ के अगले में हम ऊपर से बना लेंगे।
फिर हमारा दो का एक कर देंगे। अब इन तीनों को एक साथ एक कर देंगे। अब जो हमारी चैन थी उस चैन में हम इसे स्लिप चैन से जोड़ के एक चैन बना के इस ऊन को हम कट कर देते हैं। अब हम इसमें अपना लास्ट कलर भी जोड़ लेते हैं। लास्ट कलर हम शुरू यहाँ बीच में जो है सेंटर में डबल क्रोशिया उसके ऊपर इधर साइड में हम चार, एक दो तीन चार डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और पीछे की साइड से हम इस ऊन को जोड़ लेते हैं। फिर हम इसमें तीन चैन बना लेते हैं। आगे से आगे वाले में बना लेते हैं, फिर वापस से पीछे से बना लेते हैं। इस तरह से ऊपर तक बना लाते हैं। वापस से हम यहाँ पे दो चैन बनाई थी वहाँ गए, वापस से हम दो क्रोशे बनाएंगे डबल क्रोशे, एक दो बार डबल क्रोशे बनाते हैं, दो चैन लेते हैं, फिर वापस से इसी चैन में दो डबल क्रोशे बनाते हैं। फिर हम ऊपर से बनाएंगे पहला, फिर उससे अगला हम पीछे से बनाते हैं। फिर अगला आगे से बनाते हैं, इस तरह इसको नीचे तक ले आते हैं। यहाँ पर नीचे तक आ गए, नीचे तक आने पे ये हमारा एक जो नीचे से बना रहे हैं उसके पास वाले को छोड़ देंगे, तो इधर का और इधर के दो छोड़ देंगे। जो हमारा ऊपर का है इसके बाद हम सीधा इस वाले में ले लेंगे नीचे, हमारे दो इधर छूट जाएंगे, दो इधर छूट जाएंगे डबल क्रोशिया। इसमें उसी तरह से लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर वापस से इस अगले वाले में लेंगे, फिर दो का एक करेंगे और तीनों को एक कर देते हैं। इस तरह हमारे ये तीन डबल क्रोशिया आपस में जुड़ जाते हैं। उसके बाद पीछे से बनाते हैं हम, पीछे से बनाने के बाद इस वाली अगली चैन में जो हमने पीछे से बनाया था इसे यहाँ से इस तरह अटैच कर देते हैं। फिर हम आगे से बनाते हैं, फिर अगली चैन में से अटैच कर देते हैं इधर वाले दूसरी पत्ती के, फिर नीचे से बनाते हैं, फिर वापस से यहाँ से हम अटैच कर देते हैं ऊपर से बनाते हैं। इस तरह हम ये चार डबल क्रोशिया को आपस में अटैच कर देते हैं। वापस से हम नीचे बना लेंगे, आगे बना लेंगे। अब हमें दूसरी पत्ती से जोड़ना है, चार डबल क्रोशिया को तो हम जोड़ते हैं और नीचे से दो दो डबल क्रोशिया को एक साथ कर देते हैं। इस तरह हमारी यहाँ से जुड़ जाती है। अब हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, ये रो भी कंप्लीट कर लिए। इसके हम लास्ट में आ गए, लास्ट मैंने ऊपर से बनाए फिर उनको आगे लेंगे और जब नीचे से डबल क्रोशे को लेके आए उसके नीचे से इसको दो का एक ही कर देते हैं। हमारे क्रोशे में दो फंदे रह जाते हैं, आगे वाला ये वाला इसमें भी लेंगे, इसमें भी दो का एक कर देंगे, तीन को हम एक साथ कर देते हैं। फिर हम वापस से पीछे से बनाते हैं, बनाने के बाद अभी जो ये वाला चैन है इस चैन को इसमें से निकाल देते हैं। फिर हम आगे से बनाते हैं, फिर अगली चैन में से इसे निकाल देते हैं। फिर हमें चार डबल क्रोशिया आपस में जोड़ देते हैं। ये हमारा तीसरा जुड़ गया और ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया जुड़ गया।
फिर हम पीछे से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्लिप चैन से अटैच कर देते हैं, उनको कट कर देते हैं। बनने के बाद हमारी पोशाक ऐसी हो जाती है। अब हम इसमें फूलों के बीच में यहाँ पे एक एक मोती लगाएंगे। सबसे पहले हम नीले रंग की ऊन लेते हैं, स्काई ब्लू कलर की जो हमने ली थी। यहाँ पे ऊपर फूल पे इस तरह हम इसमें एक नोट लगा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह इसमें नोट लगाने के बाद हम सीधी तरफ आ जाते हैं। सीधी तरफ इसमें एक मोती डाल लेते हैं। ओके, डालने के बाद हम इसमें यहाँ पे एक नोट लगाते हैं। यहाँ पे नोट लगा के इसको टाइट कर देते हैं। नोट लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसे जोड़ा था, वहाँ पे हम मिडिल क्लोज ले जाते हैं, इसको पीछे ले आते हैं। सुई को पीछे लाने के बाद इसको इस तरह खींच लेते हैं, और जो हमारा है नीचे यहाँ पे हमने पत्ती जोड़ी थी नीला स्काई ब्लू कलर की, वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे इसमें एक हम एक नोट लगा देते हैं, इस तरह थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं, हल्का सा खींच के हम इसमें एक ऐसे नोट लगा देते हैं। नोट लगाने के बाद ही हमारा मोती इसमें लग जाता है। यहाँ से हम उनको कट कर देते हैं, कट कर देंगे। इस तरह हम सभी जगह मोती लगा लेते हैं। अब हमने सभी जगह मोती लगा लिए हैं। मोती लगाने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह की हो जाती है। ये हमारी ये पोशाक पूरी बन गई। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।